आज लोग पहले नेक होते हैं, बड़े परहेजगार होते हैं, गरीबों का दर्द रखते हैं, उनकी सोचें सुलझ, फिर उनको ओहदा मिल जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहने लग जाते हैं सारा ठीक है जी, किधर है महंगाई, कुछ भी नहीं। जब बंदा जब तक किराए की गाड़ी में सफ़र करता है तब तक तो वो कह रहा होता है कि कितना किराया बढ़ा दिया आपने, 5 रुपये इजाफा कर दिया, और जब वो अपनी गाड़ी में बैठे फिर वो जो बस के पीछे होते हैं वो बेवकूफ़ नज़र आते हैं, क्यों, अब तो उसके पास पजारो है, उसको कैसे वो लोग अब भले नज़र आएंगे। लेकिन वो भाई अभी भी हैं कुछ घर जहाँ रात को ये डिस्कस होती है कि शादी आ गई है मुल्तान, तो किराया कहाँ से पूरा करना है, किराया थोड़ा है लिहाजा बच्चे रहने दो, खुद चले जाते हैं, वहाँ कुछ देना दिलाना भी पड़ेगा। अभी भी हैं लोग जो बेचारे उधार पकड़ के ब्याह पे किराया लगाते हैं, लेकिन जब सोच किसी की वो रहती नहीं। अब्दुल मलक बिन मरवान बड़ा नेक कहलाता था, फुकहा में शुमार होता था, इतनी मस्जिद में बैठ के इबादत करता था कि उसको हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर कहने लग गए लोग। लेकिन फिर उसके खलीफा बनने का ऐलान हुआ, जिस दिन ऐलान हुआ उस दिन भी मस्जिद में बैठा था, फिर उसने कुरान मजीद रख के ना अलमारी में, तो कहने लगा लगता है अब मेरी और कुरान की जुदाई होने लगी। फिर वो यही शख्स था जिसने हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालम आदमी गवर्नर बनाया, ये वही था जिसके दौरे हुकूमत में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जैसे लोग शहीद किए गए। बस वो कैफियत ही नहीं रही, मनसब मिल गया, ओहदा मिल गया तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन कुछ लोग हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरह के भी आए, इतना कीमती लिबास पहनते थे कि दुनिया अश अश कर उठती थी, लेकिन वही उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे कि जब खलीफा बने तो फिर उन्होंने कहा उस तरह का पहनूंगा जिस तरह का मेरी रियाया का गरीब आदमी पहनता है। बीवी से कहने लगे मुझे रखना है कि माल दौलत रखना है, उसने कहा आपको रखना है। वो एक खलीफा की बीवी, एक बादशाह की बहन, एक बादशाह की बेटी थी, पर सारे जेवर खैरात कर दिए, गरीबी की जिंदगी गुजारी। कुछ लोग नहीं बदलते, कुछ ओहदा आ गया, माल आ गया, रूप ही बदल गया, कहानियां ही और हो गई। यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था, फिर उनके हालात ही बिल्कुल तब्दील हो गए, उन्हें पता ही नहीं हम क्या थे। सुनो ना, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कुछ बच्चियों का दूध असर के वक्त जाके धो के आया करते थे, उनको देते थे। जिस दिन खलीफा बन गए तो एक बच्ची ने आके पूछा हुजूर अब वो बकरियों का दूध कौन धोया करेगा, तो आप फरमाने लगे क्या खिलाफत मुझे खिदमत खल्क से रोक देगी, वो काम मैं अपनी आखरत के लिए करता था करता ही रहूँगा, मैं नहीं बदलूँगा, मैं वही हूँ हुजूर का गुलाम। बल्कि कंजुल माल में एक रवायत तो ऐसी है कि कलेजा मुँह को आता है, एक ऊंट गुम हो गया माले गनीमत का, सैयदना फारूक आजम ऊंट ढूंढते हैं, कभी उधर भागते हैं कभी, और मेरी जिम्मेदारी है मुझसे कयामत में सवाल होगा, और ये मुसलमानों का माल है मैं उसका अमीन, उधर भागते उधर भागते उधर भागते। एक शख्स ने कहा हुजूर आप बैठ जाए किसी गुलाम की ड्यूटी लगाए, 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, इल्म भी फजल भी तकवा भी, और सबसे बढ़कर उम्र वो है जिनसे अल्लाह भी राजी रसूलुल्लाह भी राजी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत उमर से कहा बैठ जाए गुलाम की ड्यूटी लगाए, हजरत उमर ने रुख फेर के देखा और उस बंदे की तरफ देख के कहने लगे मैं भी तो एक गुलाम ही हूं, क्या हूं मैं, एक गुलाम ही हूं, मैं एक गुलाम ही हूं, इतने महल चढ़ाया सानिया, गुलाम ही हूं मैं, क्या हूं मैं। जब आपने ये लफ्ज कहे तो बंदा कहता है नॉर्मल बात थी, मेरे भी आंसू निकल आए, यार ये भी कोई अंदाज होता है। लेकिन भूल गए लोग, अपनों को भूल गए, अपनों को भूल गए, अपने करीबियों को भूल गए। दौलत आई तो फिर वो मोहल्ला पसंद ना आया, फिर घर सोसाइटी में बन गया, फिर यार बदल गए, फिर रिश्तेदारियां बदल गईं, फिर हालात और हो गए।